हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ओशीन शर्मा और आप सभी का स्वागत है ओशीन्स कॉर्नर पे। बहुत समय से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से समय नहीं लग रहा था कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, पर जिस तरह का प्यार, सम्मान, सपोर्ट मुझे हिमाचल के लोगों से मिलता है, हिमाचल के बाहर के क्षेत्रों से मिलता है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है। और आज मैं चंडीगढ़ आई हूँ और काफ़ी समय बाद मुझे किसी एक ख़ास शख्सियत से मिलने का मौका मिला है, तो मैं आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मैं आप लोगों को विनय सर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। जो बच्चे मेरी इस जर्नी में जुड़े हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैंने विनय सर का नाम बहुत बहुत बार लिया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि सर ने उस समय मुझे सपोर्ट किया जब शायद बोलने वाला कोई भी नहीं था कि आप ये कर सकते हो, आप इसकी तैयारी करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो आज मैं ओशीन्स कॉर्नर पे विनय सर का स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। थैंक्स अ लॉट। एंड हाउ आर यू फीलिंग? आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड एंड ग्लैड टू सी यू हियर इन चंडीगढ़ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Thank I guess you. after 2020 we are meeting first time. Yes, and it's absolutely. been a long time. बहुत बहुत समय हो चुका है। तो सर, आज मैं आपसे सवाल कह लीजिए या एक बड़ी नॉर्मल सी डिस्कशन ही मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि तैयारी क्या करनी है, मटेरियल क्या है, आज हर बच्चे को पता है, ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है। बट हम उन मुद्दों पे बात मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ जो बच्चों को, बच्चों से रिलेटेड हैं, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बच्चों को सर्विसेज में आने का भी ये नहीं पता चल रहा कि जब वो सर्विसेज में आएंगे तो वो करेंगे क्या, पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस में आपके साथ करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। मैं सर जब प्रिपरेशन में आई थी यहाँ पे, उस दौर में और आज का जो टाइम है, कैसे चेंज हो गया है और हिमाचल के बच्चों को चंडीगढ़ में कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है कोचिंग सेंटर्स में? अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया। अब तो आपका सिलेक्शन हुए 3 साल हो गए, और उससे पहले 2 साल पहले की भी जर्नी रही थी आपकी, तो तकरीबन 5 साल में तो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक्स चेंज हो गए। और हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में जो बच्चा भी चंडीगढ़ में आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि कोविड टाइम भी बीच में रहे, चीज़ें ऑनलाइन चली गई और एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिल गया बच्चों को। तो अब की डेट में जो बच्चा चंडीगढ़ तक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र लेके, जैसा कि आपने बोला भी है कि उसको सब पता है, कि उसके पास कंटेंट भी है, मटेरियल भी, उसको पता है कि कहाँ से तैयारी कैसे करनी है। लेकिन एक जो मतलब बड़ा बदलाव मेरे को देखने को मिला है कि मुझे लगता है कि आपके टाइम पे बच्चे जो हैं ज़्यादा रेजिलियंट थे चीज़ों को लेके, और अब के बच्चे में को ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल है कि मुझे लगता है कि इमोशनली थोड़े से वीक हैं आपके आज के टाइम के बच्चे। आपके टाइम में बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारने वाले थे, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करते थे और सक्सेस भी लेते थे। तो एक ये बदलाव देखा मैंने। दूसरा है कि पहले से ज़्यादा बेटर एमिनिटीज़ अब चंडीगढ़ में, जो आप पूछ भी रही थी कैसा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, केवल सिविल स्टैप नहीं, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी मैं देखता हूँ कि माहौल काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी सारी अच्छे तरीके से चीज़ों को परोसा भी जा रहा है। तो ये थोड़ा सा बदलाव एक देखने को मिला है। और बच्चे में चाहे इमोशनली, जैसे मैंने बोला कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअली मेरे को लगता है कि बच्चा पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प अब जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा इम्यूनिटीज़ होने की वजह से वो जो हार्डवर्क करना था या जो पेशेंस दिखानी थी, टॉलरेंस दिखानी थी, वो कम हुई है? मे बी। और दूसरा मुझे लगता है कि आपकी दौर पे जो बच्चे पाले गए हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट के अंदर पाले गए हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी आने से पहले ही पीसीएस हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ द सोसाइटी हैं। तो वो एक जो मैंने बोला कि पहले लोग थोड़े रेजिलियंट होते थे, है ना, और क्योंकि स्ट्रगल भी शायद देखा है, और अब की जनरेशन मुझे लगता है कि थोड़ा रिलेटिवली कम स्ट्रगल देखने वाली और ज़्यादा कम्फर्ट वाली जनरेशन है। ये एक चेंज देखने को, ये भी एक फैक्टर है जो आप बोल रहे हैं। That's really nice. तो सर ये तो बात हो गई हमारे टाइम की और अब में जो बदलाव आए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का इतना चार्म क्यों है, कोचिंग सेंटर्स में इतनी भीड़ क्यों लगी है? अच्छा, इंडिया के अंदर क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं लेकिन प्राइवेट के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो कवेटेड जॉब हैं, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्यार्थी या एक स्टूडेंट एस्पायर करेगा, तो ऐसी जॉब्स की मात्रा बहुत कम है। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देती है, और जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप हैं पर्टिकुलरली, इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम जॉब ये सर्विसेज भी हैं, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक मोटिवेशन है कि एटलीस्ट वो जो सोसाइटी से उसने लिया है अभी तक वो एक वापस करने का मौका भी है।
इसी के साथ साथ ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ एक प्रेस्टीज जरूर इसके साथ एसोसिएट की जाती है कि जब भी आप जॉब करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्था को लेके, आपको है कि उसकी एक प्रेस्टीज होनी चाहिए। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो आप उसमें बहुत प्राउड फील करते हो। तो इन वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बड़ी कवेटेड जॉब है। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन अब बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन अगर इन सारी चीज़ को मैच कर देता है कि अगर वो एक प्रेस्टीज भी देता है, वो एक अच्छा पैसा भी देता है रेन्यूमरेशन की फॉर्मेट में, और साथ ही साथ उसको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट जॉब का चार्म शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि उतना नहीं है, तो शायद ये भी घट जाएगा। तो लेकिन अभी एट प्रेजेंट हिमाचल जैसा राज्य, जो कि एक छोटा राज्य है इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल, और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं है, है तो वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब का चार्म रहेगा ही। और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने भी लगातार हिमाचल में काफ़ी अच्छे जो है जॉब क्रिएशन किया है। अगर हम बाकी पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ इतना जॉब क्रिएशन एटलीस्ट माउंटेनियस रीजन में नहीं हुआ जितना हिमाचल ने किया। और हम एच डी आई इंडेक्स में भी देखते हैं कि जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में भी आता है, तो शायद एक ये फैक्टर रह सकता है। एडिंग टू इट, एक और भी बात हम आपसे डिस्कस भी कर रहे थे पहले, कि बच्चों को सिर्फ अपना जो नज़रिया है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू जॉब्स बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है और बच्चे अलग अलग फील्ड को चुन रहे हैं। और हमेशा एक बच्चों को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, सभी को डॉक्टर्स नहीं बनना था पहले, सभी को इंजीनियर्स नहीं बनना था, और आज सबको सिविल सर्वेंट्स नहीं बनना है। आप एक बड़ी एक्टिव सिविक सोसाइटी का भी पार्ट बन सकते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, एक एसोसिएशन का नाम लूँगी, कांगड़ा चंबा एनजीओ है, तो ये बच्चे कॉलेज के समय ही इन्होंने एनजीओ बनाई, और चंबा जो कि बहुत एक पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ से ये बच्चे उठकर आ रहे हैं और एनजीओ चला रहे हैं, स्लम एजुकेशन दे रहे हैं और लेडीज़ की, लड़कियों की शादियाँ करा रहे हैं। अगर लड़कियाँ किसी मुसीबत में हैं तो वहाँ पर उनको एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे हो सकता है कि जॉब्स के पीछे ना जाकर शायद सिविक सोसाइटी में ही एक बहुत बड़ा एसेट बन के उभरें, एंड दे माइट बी द फ्यूचर लीडर्स आल्सो। तो आई फील कि बच्चों को अपना विजन को ब्रॉड करने की जरूरत है। आज के डेट में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, तो शायद वो अपने एप्टीट्यूड के अनुसार और जो उनकी चॉइसेस हैं करियर को लेके, अब वो वाइड हो चुकी हैं। शायद हमारे समय में काफ़ी ज़्यादा सीमित थी, लेकिन अब क्योंकि नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, जैसे एडटेक कंपनीज हैं, उन्होंने एक नया करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, इतने सारी और कंपनीज खुली, नए प्रकार के जॉब क्रिएशन हुए। आज से 30-40 साल पहले अगर हम देखेंगे, केवल 7-8 प्रोफेशन इस हिंदुस्तान में होते थे। आज की डेट में आई वॉज रीडिंग इन इकोनॉमिक्स टाइम की मोर देन 1000 प्रोफेशन एग्जिस्ट इन इंडिया। तो आप देखिए कि अपॉर्चुनिटीज हैं, विस्तार बहुत ओपन हो चुके हैं पहले से। दैट्स ग्रेट। एक और मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता है कि बिजनेस इज आल्सो समथिंग जो बहुत सारे बच्चे सोचना चाहते हैं लेकिन सोचते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है बिजनेस में जाने के लिए, बट उस माइंडसेट को भी शायद हमारी स्टेट को डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल, केवल स्टेट को ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को ही जरूरत है इस माइंडसेट को डेवलप करने की, क्योंकि प्राइमरली हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम शायद जॉब पाने के लिए एजुकेशन लेते हैं। तो इंडिया के अंदर दो बहुत रिस्की, अगर प्रोफेशन की बात करूं तो वो है, एक तो पॉलिटिशियन, दूसरा बिजनेसमैन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास इज नॉट अ इकोनॉमिक क्लास, इट्स अ थॉट प्रोसेस। तो हम बहुत सेफ, और हम कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का ना तो सोचते हैं, है ना, इसलिए वी ऑलवेज गो फॉर, जैसे मैंने की चर्चा भी करी, कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आपको ये सिक्योरिटी देती है, हमेशा एक मिनिमम इनकम सिक्योर करती है। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन कोई एस्पायर नहीं करना चाहता इस देश में, और ये सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही दो प्रोफेशन है। तो वो इसलिए भी है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मिडिल क्लास इज अ थॉट प्रोसेस। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ नॉट इकोनॉमिकली मिडिल क्लास, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मिडिल क्लास इन द टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, दैट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल आईडिया। सो वी हैव सीन रिसेंटली, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और 90s के दशक से एजुकेशन में रिफॉर्म्स चले हैं, बट जो आज की रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसे कोई रिफॉर्म्स आए हैं या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करते हैं जो एजुकेशन में होने चाहिए? देखिए, जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है जिस तरह से एजुकेशन दी भी जा रही है और जिस तरह से एजुकेशन ली भी जा रही है, तो वी आर जनरली ट्राइंग टू फेच अ जॉब विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन।
लेकिन एजुकेशन एक थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, जैसे आपने जिक्र भी किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी, जैसे उस पॉलिसी को अगर हम पढ़े तो काफी ज्यादा उसमें बैंडविड्थ बहुत अच्छी है उस पॉलिसी की, उसमें काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। जैसे एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, जैसे डिजिटलाइजेशन अब देश के अंदर आ गया है, तो डिजिटलाइजेशन हिमाचल का ही हम अगर उदाहरण लें तो वो फार फ्लंग एरियाज, वो रिमोट एरियाज जहाँ एक व्यवस्था है, आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कितना कॉस्टली अफेयर है गवर्नमेंट के लिए, एक स्कूल का निर्माण करना, उस स्कूल में सही मात्रा में बच्चे आए, उसमें फैकल्टीज को इन्वॉल्व करना, और उसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी क्रिएशन करने में जो पैसा खर्च होता है उसको शायद डिजिटलाइजेशन से बहुत मिनिमम कॉस्ट पे और विद द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी डिलीवर किया जा सकता है। तो एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिवनेस की बात करती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिवनेस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही है। तो ये एक जो है बदलते हुए बदलाव हम देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से एजुकेशन हमने, और मुझे लगता है कि आपको भी ध्यान होगा कि स्कूल में एजुकेशन के लेवल पे हमें कभी बिल्ड नहीं किया जाता, हमें किताबें रटवाई गई हैं, हमें किताबें समझाई नहीं गई हैं, है ना। जैसे आइंस्टाइन का एक कोट में आज मॉर्निंग में ही पढ़ा था, वो कहता है कि नोइंग द फैक्ट इज नॉट एजुकेशन, इट इज अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हम इस अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करते। अगर हम एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़े, सारी एनसीईआरटीज में 6 टू क्लास 12 सभी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें एजुकेशन में टीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द करिकुलम। हमारे वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा बना हुआ था, हमारे वहाँ सिलेबस बहुत अच्छा है, करिकुलम हिंदुस्तान का करिकुलम दुनिया का बेस्ट करिकुलम है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट करिकुलम टिल स्कूल लेवल। प्रॉब्लम है टीचिंग के अंदर कि जिस तरह से वो पढ़ाया जा रहा है उस तरह से बच्चे तक नहीं पहुंच रहा। अगर आप अब की नई एनसीईआरटीज देखेंगे तो हर एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसमें आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हर एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि डिबेट कराओ क्लासेस के अंदर, डिस्कशंस कराओ, ताकि आपके अंदर एटलीस्ट दूसरे का व्यू पॉइंट गलत हो सकता है लेकिन वो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम एजुकेशन को दें, है ना, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए, बच्चे को एक थॉट डेवलप हो पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, उसके केवल वो रट नहीं रहा, तो ये शायद अगर एजुकेशन के थ्रू हो पाए तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव। और इसमें अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा ऐड करना चाहूँ तो यही है कि हम इस बात पे कम फोकस करें कि हमें कितने नंबर ऑफ स्कूल्स खोलने हैं, एज इन की क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटी वाइज, कि अगर एक स्कूल है तो वो कितने बच्चों को केटर कर रहा है, क्या वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि मैंने इस पूरे दौरान में देखा है कि जिस एरिया में हमने विजिट किया, एक जगह पे सरकारी स्कूल है, एक जगह पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उन बच्चों के सिर्फ कपड़ों में ही अंतर नहीं है, उनकी थॉट प्रोसेस में अंतर है और उनके टीचर्स में अंतर है। गौरतलब ये है कि जो टीचर्स आपके सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, अगर आप उनकी सैलरी देखेंगे, सो दे आर पेड अ वेरी हैंडसम सैलरी, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक्सट्रैक्ट उनसे ज़्यादा किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिज बनना बड़ा ज़रूरी है इन इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल के बीच में, अदरवाइज सरकारी स्कूल में जो चीज़ चली आ रही है उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, वो वैसी की वैसी रह जाएगी। इसके साथ दूसरा मैं, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसके साथ मैं जैसे ऐड ऑन करूँगा कि जैसे हमारे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जा रहे हैं या बाकी लोग भी सरकार में जब चयनित होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हम देखते हैं कि वो शायद एक पैशन लेके भी जा रहे हैं। पर्सनली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, लोग टीचर, बीइंग अ टीचर इज द लास्ट चॉइस फॉर एनीवन, वो उसको परस्यू नहीं कर रहा, वो उस पर सेटल हो रहा है, तो दे हैव नॉट अचीव्ड इट, है ना, दे हैव सेटल्ड फॉर द लेस, तो ये उनके बिहेवियर में भी दिखता है, वो पैशनेट नहीं है अपनी जॉब को लेकर। जब आप पैशनेट नहीं होते तो आपको हमेशा कोई ऊपर से डंडे मारने वाला चाहिए कि जो आप किसे काम करवाएं। इसीलिए भी जो है सरकारी स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वो बहुत नॉन पैशनेट वे में पढ़ाया जा रहा है, बहुत इनडिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाया जा रहा है ना, जिसकी वजह से वो बात जो बच्चे तक पहुंचनी चाहिए कभी नहीं पहुंच रही। इसमें सर मुझे दो एस्पेक्ट्स और नज़र आते हैं, एक ये कि टीचर्स कई जगह पे मोस्टली ओवरबर्डनड भी है। मैंने जितना सरकारी स्कूल में टीचर्स को देखा है, चाहे वो इलेक्शन का काम होता है, चाहे वो सेंसस का काम होता है, इट इज़ ऑलवेज द टीचर जो है। तो जब हम टीचर से बात करते हैं, जैसे मेरी फैमिली में भी मेरी बुआ टीचर हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे दिखता है कि शी इज़ ओवरबर्डनड, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ टीचर्स वो भी आ जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि उनको अपने घर के पास ही नौकरी करनी है, और ये चीज़ मैंने बहुत पर्सनली में देखी है कि टीचर्स आर नॉट एट ऑल रेडी टू मूव इवन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर हाउसेस, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। चंबा में एक बेहतरीन टीचर हो सकता था लेकिन वो टीचर शायद कांगड़ा बैठा है,
और इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है ऑफ द पॉलिटिशियंस इटसेल्फ. उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं ये चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी में चेंज आना चाहिए कि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वी शुड डू द सर्विस एटलीस्ट अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं किसी बैकवर्ड एरिया में होनी बिल्कुल होनी चाहिए. तो ये टू सेट्स ऑफ टीचर्स आ गए, वन हु आर ओवरबर्डनड, जेन्युइनली ओवरबर्डनड, एंड सेकंड जो काम नहीं करना चाहते. तो ये दोनों कैटेगरी को कैटर करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. चलिए, आपने तो काफी सारे प्रश्न पूछ लिए मेरे से. अब सिंस वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, और मैं सन 2020 में शायद आपसे पहले लास्ट टाइम मिले थे जब आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद आज जो है हम लोग मिले, तो मैं उस ओशिन को जानता हूँ जो यहाँ पे स्टूडेंट थी और वो यहाँ पीजी में रहती थी, है ना, वो पैदल चल के आती थी इंस्टीट्यूट तक. और अब एक ओशिन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सर्व कर रही है, लोगों के बीच में है और काफ़ी पॉपुलर है. तो ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांजिशन है, आप एज अ स्टूडेंट को, क्योंकि आप देखिए जो हमें एट्रीब्यूट्स एक सर्विसेज के अंदर चाहिए, एज अ ऑफिसर चाहिए, वो डिफरेंट है, वो शायद किताबों में हम लोग नहीं पढ़ा रहे, है ना. तो वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको सर्विसेज में फ्लोट रखते हैं, और कैसे ओशिन इतनी मोटिवेटेड रहती है? जो ओशिन आपको कुछ साल पहले मिली थी और जो ओशिन आपको आज मिली है, बहुत सारे डिफरेंसेज हैं लेकिन समानता भी है. समानता ये है कि मैं पहले भी पैशन ड्रिवन थी, मैं आज भी पैशन ड्रिवन हूँ, मैं अगले 10 साल भी आपको पैशन ड्रिवन ही दिखूंगी. बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और न्यूट्रलिटी, ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, ये सब होने चाहिए ऑफिसर्स में. ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट नहीं होते सर्विसेज में, होते हैं, बट उनको समझने में टाइम लगता है. और जैसे जैसे सर्विसेज आपकी ज़्यादा लंबी होती जाती है, आपको एक्सपीरियंसेस वो शब्द ब्रॉड करके दिखाते हैं कि इस शब्द का मतलब आज ये था. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैं अभी राइट नाउ संधोल में पोस्टेड हूँ. तो हमारे संधोल एरिया में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, वो इलीगल माइनिंग का जो इशू है, और हिमाचल में इस बार इतनी त्रासदी हुई है, लोगों के घर उजड़ गए. कुल्लू में मैंने देखा लोगों की ज़मीनें चली गई जो उनकी पुश्तैनी ज़मीनें थी, और इससे भी कई ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है. तो इस त्रासदी के पूरे एरिया में हम ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं माइनिंग का भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा, और इसमें चोरी हो रही थी. और जब मेरे पास एक कंप्लेंट आई तो हमको उनको पकड़ना था. अब पकड़ने के लिए सिंपल था कि हम लोग दिन में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम जैसे ही दिन में, वो खड वाला एरिया है, जैसे ही हम दिन को जाते थे उनको कोई ना कोई बता देता था. अब इसमें हम नहीं बता सकते कि सिस्टम मिला है या क्या है, बट द थिंग वॉज कि मेरे लिए चीज़ें इतनी ईजी नहीं हो रही थी. इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तक आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं है, वो लोग जो कि प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से, अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो एक ऑफिसर भी अच्छा काम नहीं कर सकता. तो कुछ लोगों की मैंने टीम बनाई और उनको मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी दी, और लोगों ने बहुत ही क्यूरियसली, पैशनेटली अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हम एक अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ करना चाहते हैं. तो जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो वो रात को इन्फॉर्मेशन 10 बजे के आसपास आई और हम लोग वहाँ से निकल गए. सो एज अ लेडी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि रात को नहीं जाना चाहिए, खड के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पुलिस भी बाद में आई. मुझे लगता है वहाँ पे मेरा एक ऑफिसर इंस्टिंक्ट जो था वो प्राइमरली एक्ट किया कि अभी चाहे रात के 10 बजे है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर. मैं उठी और मैं चली गई और हमले वहाँ पे लोगों को चलान भी किया. तो एक प्रश्न वहाँ पे बार बार ये आ रहा था कि गरीब लोगों का चलान हुआ है, ये एक डिलेमा जो मैंने फेस किया. तो मेरा वहाँ पे भी यही पॉइंट था कि गरीबी जो है वो चोरी नहीं सिखाती. गरीब लोग भारत में अगर कहें ज़्यादा हैं तो हम ये बोल सकते हैं वो ईमानदार भी हैं, और इसीलिए गरीब लोग जो हैं वो चोरी नहीं करते हैं. ये मेरा मानना था, और जिनका मैंने चलान किया उनको भी मैंने यही कहा. चलान करने के बाद कुछ वाहवाही मिली, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम यही चीज़ बार बार उठने को आ रही थी. तो फिर वहाँ पे मैंने अपना जो स्टांस है वो बहुत सीरियस रखा, क्योंकि कई जगहों पे हमको बहुत ही नम्र होना पड़ता है, हम्बल होना पड़ता है, जो क्वालिटीज़ हम पढ़ते हैं कि यू हैव टू बी हम्बल एंड पोलाइट विद पीपल. आपको लोगों के स्तर तक आकर बात करनी पड़ती है. अगर कोई बुज़ुर्ग है तो
तो उससे वैसे बात करनी पड़ती है, जो आपको नहीं समझ पा रहा उससे वैसे बात करनी पड़ती है. बट एट द सेम टाइम एज एन ऑफिसर आपका एक जो है रिस्ट्रिक्टिव रोल भी होता है. तो वही बात है, अलॉन्ग विद कैरेट देर इज़ ऑलवेज अ स्टिक, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो ये एक्सपीरियंस जो है वो मुझे देखने को मिला, इसने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे डिलेमास को चैलेंज किया. अच्छा, जैसे रिसेंटली आजकल एक बड़ी चर्चा में है एक बिल जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, जिसके अंदर 33% वीमेन रिजर्वेशन की बात है. तो आप बीइंग अ वीमेन है ना, और बीइंग एन वीमेन ऑफिसर, आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या ये बिल पास होना चाहिए, पारित भी होना चाहिए, या आप इसको जो है जैसे एक बहुत बड़ा मत आ रहा है कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, है ना, तो आपका इसमें क्या टेक रहेगा? सर, ये आप ही ने पढ़ाया है कि जो गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इट्स फेमिनिन इन नेचर. फेमिनिन एज इन की वेलफेयर स्टेट की बात करता है, चाहे वो प्रियम्बल बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, वेलफेयर के बारे में बात करता है. तो सरकार का काम है लोगों का ख्याल रखना, और उसी ख्याल में अगर 50% को आज तक अपनी वॉइस नहीं मिली है, तो आप देखेंगे 78 के आसपास लेडीज़ जो हैं वो लेडी एमपी जो है वो चयनित होके गई, और 14% के आसपास ये आंकड़ा है. लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए 14% आंकड़ा जो है वो ना के बराबर है. तो एज वी वर डिस्कसिंग कि कोई चेंज लाने के लिए या तो वो नेचुरली सोसाइटी में चेंज आए, या फिर उसको एक एडिशनल एड देनी पड़ती है, हेल्प देनी पड़ती है. तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, इट इज़ द मोस्ट वेलकम्ड स्टेप, एंड आई थिंक हर एक सेक्शन जो है, हर एक वर्ग है जो सोसाइटी का, वो इसको वेलकम करेगा, क्योंकि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ जब आगे आएंगी, लीडरशिप रोल्स में आएंगी, तो वो नैरेटिव चेंज करेंगी. और मैं हमेशा मानती हूँ कि समानता लाने के लिए महिलाओं को उन जगह पे होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से ये कानून संचालित होते हैं, जहाँ से ये कानून बनते हैं. तो आज तक नहीं थे, अब होंगे, एंड इट इज़ अ वंडरफुल स्टेप. तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लाने की, कुछ डिफरेंट करने की. मैं कोशिश करती रहूँगी कि अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग अलग फील्ड से जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे मेंटरशिप है, चाहे कोई और भी एरियाज़ है, वहाँ से लोगों को लाने की, क्योंकि ओशिन्स कॉर्नर सिर्फ एक माध्यम है टू डिलीवर द बेस्ट. एंड आप सभी का मैं धन्यवाद फिर से अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, और पूरा सपोर्ट और पूरा प्यार जो है वो मुझ तक पहुँचता रहता है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.